हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स सो एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होती हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ेंगे और कुछ और इसके मेन फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर सेज हाउ मैनी टाइम्स टू यूज़ द नंबर इन अ मल्टीप्लीकेशन किसी मल्टीप्लिकेशन में किसी नंबर को कितनी बार कितने नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करना है ये एक्सपोनेंट बताता है हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे टेन रेज टू पार फोर लिखा हुआ है टेन रेजिट टू पार फोर लिखा है इसमें टेन को हम बेस नंबर कहेंगे ये टेन यहाँ पर बेस नंबर है और फोर इसका एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स नंबर या पावर भी कहते हैं तो so, एक्सपोनेंट वो नंबर है जो कि बताता है कि बेस नंबर में जो नंबर है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर से इज़ हाउ मेनी टाइम्स टू यूज़ द नंबर इन अ मल्टीप्लीकेशन एक मल्टीप्लीकेशन में किसी नंबर बेस नंबर का कितनी बार यूज़ किया जाएगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको यूज़ किया जाएगा तो so, ये है एक्सपोनेंट अब टेन रेस टू तो पावर फोर को हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं टेन रेस टू द पावर फोर टेन रेज टू पावर फोर को हम टेन टू द पावर फोर भी पढ़ते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पर टेन स्क्वायर हो तो टेन टू पावर टू हो तो उसको टेन रेस्ट टेन स्क्वायर भी पढ़ते हैं या फिर टेन पावर थ्री हो तो उसको टेन क्यूब भी पढ़ते हैं तो एक्सपोन आर आल्सो कॉल्ड पावर्स हैं और इंडिसेस इसको पावर या फिर इंडिसेस भी कहते हैं तो कुल मिलाकर इन जनरल ए रेस्ट्रोपार एन टेल्स यू टू मल्टीप्लाई ए बाई इट्सल्फ एन नंबर ऑफ़ टाइम्स तो अगर ए रेस्टोपार एन है तो ये बताता है हमें कि ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाना है सो देयर आर एन ऑफ़ दोज एज तो एन ऑफ़ दोज एज मींस एज ए जो है उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा और जिसको स्मॉल मीन्स कम जगह में लिखना हो तो ए रेज टू पावर एन इस तरह से इसको लिखेंगे तो मोस्टली जो है एक्सपोनेंट्स का यूज़ जो है वो बड़े नंबर बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को एक मिनी फॉर्म में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म भी कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म भी कहते हैं अगर बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें जैसे कि कई अरब कई मिलियन अर्थ से सन की दूरी लाइट uh, की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट ये सब लिखते हैं तो उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं जिससे कि वो नंबर जो है बहुत बड़ा नंबर जो है उसको हम बहुत ही कम समय में कम शब्दों में और कम आ, आ, बोलने में भी उसको मिनिमाइज किया जाता है तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स अब एक्सपोनेंट्स हैं और उसके नेगेटिव भी होते हैं जैसे कि मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग का ऑपोजिट डिवाइडिंग होता है प्लस का ऑपोजिट माइनस होता है और माइनस का ऑपोजिट प्लस होता है इसी तरह से एक्सपोनेंट में भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेन रेज टू पावर माइनस फोर हो टेन की पावर यहाँ पर माइनस फोर लिखा गया है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे वन अपॉन टेन रेज टू पावर फोर तो कुल मिलाकर अगर किसी नंबर और उसकी पावर मीन्स एक्सपोनेंट फॉर्म का हम रेसिप्रोकल करते हैं जैसे कि वन अपॉन टेन रेज टू पावर फोर करते हैं तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो टेन रेज टू पावर माइनस फोर बन जाएगा या फिर ऐसा कहें कि किसी नंबर का अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उसको पॉजिटिव करना हो तो उसको इस तरह से रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया जाएगा वन अपॉन टेन रेस टू पार फोर जिसका मतलब होगा वन अपॉन टेन मल्टीप्लाई वन अपॉन टेन मल्टीप्लाई वन अपॉन टेन मल्टीप्लाई वन अपॉन टेन तो इक्वल आ जाएगा वन अपॉइंट टेन के तो जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था टेन रेस टू पावर फोर लिया गया था तो टेन रेस टू पावर फोर इक्वल टू टेन होता है टेन रेज टू पार माइनस फोर इक्वल टू वन अपॉन टेन थाउजेंड बनेगा तो ए रेज टू पार माइनस एन को हम वन अपॉन ए रेज टू पार एन इस तरह से लिखेंगे और अगर इस तरह से दिया हो कि वन अपॉन ए रेस टू पार माइनस एन तो इसको हम लिखेंगे वन अपॉन वन अपॉन ए रेज टू पार एन तो ये ऊपर जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ए रेज टू पार एन बन जाएगा या फिर डायरेक्टली कहा जाए कि ए वन अपॉन ए रेज टू पार माइनस एन है तो इसको पॉजिटिव पावर में लिखना हो तो ए टू पार एन लिखा जाएगा तो अब डिफरेंस कुछ खास नहीं है पावर एंड एक्सपोनेंट में बस मीनिंग में ही थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है तो पावर एंड एक्सपोनेंट यहाँ दोनों को लिखा गया है पावर किसे कहा जाता है द रेजिंग आ बेस नंबर टू द एक्सपोनेंट जैसे कि यहाँ पर टेन रेस टू पावर फोर है तो बेस नंबर है टेन टेन को एक्सपोनेंट मीन्स फोर तक मल्टीप्लाई करना मीन्स टेन को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो इसे पावर कहा जाएगा तो ये पूरा नंबर जो है इस समय इस एक पावर की फॉर्म में है जिसमें बेस नंबर जो है पता चल जाएगा हमें देखकर कि किस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है तो किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो टेन को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है फोर फोर टाइम्स तो टेन मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई टेन तो पावर क्या हो गया रेजिंग या बेस नंबर एक बेस नंबर को उसके एक्सपोनेंट तक मल्टीप्लाई करना मींस उतने तक उसको उठाना बढ़ाना और एक्सपोनेंट क्या हो गया हो गया द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड तो कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स बेस नंबर को मल्टीप्लाई करना है ये एक्सपोनेंट बताता है जैसे कि टेन रेज टू पावर फोर एक्सपोनेंट है यहाँ पर फोर तो ये फोर बताता है कि बेस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए तो टेन मल्टीप्लाई फ़ोर टाइम्स बाय इट्स तो टेन जो है चार बार खुद से ही मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर बेस नंबर टेन है एक्सपोनेंट फोर है तो ये इसका मेन डिफरेंस तो है लेकिन कुछ खास इसमें डिफरेंस नहीं है बस मीनिंग में लिखने में थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तो द रेजिंग अ बेस नंबर एक बेस नंबर को उसके एक्सपोनेंट तक मल्टीप्लाई करना या फिर एक्सपोनेंट बताता है कि बेस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए तो यही बस एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग uh, डिफरेंस है पावर एंड एक्सपोनेंट में अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आगे हम इसके लॉज भी पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल्स में जैसे टू रेस्ट टू पार फाइव हैं तो बेस नंबर को फाइव तक मल्टी फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करना मींस टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू इक्वल टू थर्टी टू आ जाएगा अगर टू रेस्ट टू पार माइनस फाइव हो और इस माइनस पावर को पॉजिटिव में बदलना हो तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे मीन्स वन अपॉइंट कर देंगे वन अपॉइंट अब ये माइनस पावर प्लस में आ गई ये इनवर्स पावर रहती है यहाँ पर जैसे कि टू रेस टू पार माइनस ये इनवर्स है तो वो उसको अगर लिखना हो तो वन अपॉइंट टू लिखेंगे तो इनवर्स को हम इस तरह से रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव पावर में चेंज कर देते हैं तो टू रेस टू पार माइनस फाइव इक्वल टू वन अपॉइन्ट टू रेस टू पार फाइव इक्वल टू टू रेस टू पार फाइव थर्टी टू होता है तो ये थर्टी टू आ जाएगा वन अपॉइन्ट थर्टी टू अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं थ्री रेस टू पार माइनस टू अपॉन फाइव रेस टू पार माइनस थ्री अब अगर इसमें पावर्स जो पावर्स हैं या एक्सपोनेंट हैं इनको पॉजिटिव करना हो तो फाइव रेस्टू पार माइनस थ्री इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और थ्री रेस्टू पार माइनस टू इसको नीचे ले आएंगे तो इ, तो इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी तो कुल मिलाकर इसको भी रेसिप्रोकल किया गया है इसको भी रेसिप्रोकल किया गया है इसका मतलब है वन अपॉन थ्री स्क्वायर और इसका मतलब है वन अपॉन फाइव क्यूब तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा फाइव क्यूब अपॉन थ्री स्क्वायर तो सॉल्व करके वन ट्वेंटी फाइव अपॉन नाइन आ जाएगा अब मान लीजिए दोनों की पावर सेम हो जिसको हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट में भी पढ़ेंगे एक बार थ्री रेस्टू पार माइनस टू है फाइव रेस्ट टू पावर माइनस टू है तो माइनस टू कॉमन पावर है इसको कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में थ्री अपॉन फाइव रेस्ट टू पावर माइनस टू अब अगर इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे मीन्स नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर नोमीरेटर में चला जाएगा तो ये बन जाएगा फाइव अपॉन थ्री थ्री अपॉन फाइव की बजाय ये रेसिप्रोकल होकर फाइव अपॉन्न थ्री आ जाएगा तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव थ्री का स्क्वायर नाइन तो ये था एक्सपोनेंट पावर्स एंड नेगेटिव ऑफ एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ठीक तो पावर का सिंपल मीनिंग है कि बेस नंबर को उसके एक्सपोनेंट तक मल्टीप्लाई करना है और एक्सपोनेंट का मतलब है कि बेस नंबर को एक्सपोनेंट एक ऐसा नंबर है जो कि बताता है कि बेस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए और निगेटिव एक्सपोनेंट जो है उसका मतलब है कि पावर में कोई निगेटिव नंबर है माइनस में नंबर हैं निगेटिव नंबर हैं जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है ये भी हमने बताया कि टेन टू पार माइनस फोर तो इसको पॉजिटिव बनाना है एक्सपोनेंट को तो वन अपॉन टेन टू पार फोर लिख देंगे और इन एग्जांपल्स में भी हमने बताया है कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में ही हो तो इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जैसे फाइव माइनस फाइव रेस टू पार माइनस थ्री को ऊपर ले जाएंगे तो ये फाइव रेस्ट टू पार थ्री बनेगा और थ्री रेस्ट टू पार माइनस टू को अगर नीचे ले आएंगे तो थ्री स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा या फिर इस तरह से हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन जो नंबर है इसमें एक्सपोनेंट uh, अगर कॉमन रहते हैं तो अंदर की जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे थ्री अपॉइन फाइव है तो फाइव अपॉइन्ट थ्री कर देंगे तो ये माइनस से प्लस में आ जाएगा ठीक तो आगे हम इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे